क्या नाम बेटे आपका? मेरा नाम विकास है। विकास, कहाँ चाहिए बेटा? सितारगंज, रुद्रपुर जिला। रुद्रपुर सितारगंज? सितार शहर सितारगंज है। शहर सितारगंज रुद्रपुर के पास, नैनीताल के पास। हाँ हाँ, उधम सिंह, उत्तराखंड। उत्तराखंड उधम सिंह नगर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कितनी उम्र बेटा आपकी? 23 साल। 23 साल। और परेशानी कितने समय से बेटा आपको? 3 साल। 3 साल हो गए। आपने क्या क्या इलाज कराया बेटा? मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर से ने इसके बारे में? सूजन बताया। सूजन बताई तो आपको हमारा कैसे पता लगा बेटा? यूट्यूब से। यूट्यूब के द्वारा? अच्छा अच्छा। हमारा जो बेटा यूट्यूब पे आपकी वीडियो बना रहा है, नमित छल्ला के नाम से यूट्यूब पर डाला हुआ है, NAMITCHALLA, और नीचे लिखा आएगा नमित अग्रवाल, जो बेटे का नाम है। उनकी कृपा से ये वीडियो बन रही और आप लोग देख रहे हैं, और आप जैसे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से हर स्टेट से पहनने के लिए आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना? आप भी ठीक होकर कमेंट करना, है ना? अगर उचित समझो आधे घंटे का समय डाल देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना? और सबके चरणों में अरदास है, विनती है, यदि रात को 11 बजे बच्चे से पूछ रहे फोन करके, अगर कोई नंबर डालता है तो जो उसने समय डाला आधे घंटे का, उसी समय बात करें, दिन में बात करें। हाँ, रात को 11 बजे डिस्टर्ब कर रहे, किसी ने रात को देखा 11 बजे, किसी को बच्चा पढ़ने वाला है, कोई ड्यूटी वाला है, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है ना? ये उनका तरीका है बात करने का। इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, आंतों में जख्म हो गए, अल्सर हो गया, कुछ नहीं होता बेटा। सिर्फ नाभि अपनी जगह से हट गई, जिसको IBS कह देते हैं, नेवल डिस्प्लेसमेंट कह दें, पैंक्रियाज कह दें, उसको पहनने से आपको एक दिन में परमात्मा करेगा आराम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो फोन पर बात करते रहें, और आपको चिकनाई का परहेज करना, पूरी, परांठा, समोसा, पकौड़ा, मैदे का सामान वो नहीं खाना बेटा। रास्ते में भी दाल रोटी खा लो, फ्राई नहीं कराना दाल, ठीक है ना? आगे लाओ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई चिंता ना करो। और आज से 1 घंटे में ही आराम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना खाने पीने का, रास्ते में भी अपना फल खा लो, कुछ भी खा लो। आपको लूज मोशन रहते हैं, कब्ज रहता है, पेट खराब? यस। नहीं, बार बार लेटरिन जाना पड़ता है क्या? हाँ। अच्छा, तो आपको कब्ज का कोई उपाय नहीं करना, सिर्फ आपको कल तक इंतजार करनी, परसों तक अगर कल लेटरिन एक बार गए, बार बार लेटरिन ना जाना पड़े, तो कल आप 80% ठीक हो गए। वजन नहीं उठाना 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, भारी 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, ना अपना ना दूसरे का, इतना इतना तेल सब्जियों में ना डालो, बिल्कुल ना डालो घी तेल, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्च सब डालो दाल में, सब्जी में। जीरा भून कर पीस के रख लो, 1 चम्मच जीरा भुना हुआ पिसा हुआ डाल लो, ठीक है ना? दोनों पैर रखो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, पर पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास, करण करावन हार, तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजाधिराज है, मैं दासन का दास, सच्चे बादशाह, कृपा करना परमात्मा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। किसी को घर में, परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है? घुटनों का दर्द माता जी को, पिताजी को? मम्मी को है। क्या दर्द? अच्छा अच्छा, यस, कमर दर्द। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसको हल्का सा उनके नाक का बता के इस वाली उंगली में पहना देना, ठीक है? हाँ, और फिर मेरे से बात कर लेना, फोन पर लिख लेना, मैं थोड़ा सा जड़ी बूटी लिखाऊंगा, है ना? तबियत के अनुसार हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, सौंठ है, अश्वगंधा है, तो वो 50-50 ग्राम 5 चीज लेके, फिर आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से ले लो, ठीक है बेटे? अब आप ये है, आपको ये पहना दिया, और कोई भी दिक्कत हो, ये पिंडली दर्द हो, कमर दर्द हो, सिर में दर्द हो, गैस बनती हो, आपको क्या दिक्कत है? तो कमजोरी, कमजोरी महसूस देती है, और कोई दर्द वगैरह कहीं पर बॉडी में, कमर में, पैरों में, सिर में? दर्द तो। अच्छा, गैस बनती है कमर में, दर्द। अच्छा, आपको जब बस में चलोगे तो ये मसलन यहाँ पे नाभि के ऊपर रख के बांध देना बस में, और जो आगे से चढ़ते हैं, 3-4 जो लाइन होती है ना बस की, आगे की तरफ बैठना, बिल्कुल पीछे मत बैठना बस में, ताकि धक्के ना लगे, ठीक है ना बेटा? और पहुँच कर फोन करना वहाँ पर भी, है ना, बताना रास्ते में भी, और कल को भी शाम को जब फ्री हो, अभी ड्यूटी क्या 2-4 दिन में भी जॉइन होता है ना, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना, 5-7 किलो की कोई बात नहीं, लेकिन आराम से उठाएं, और जब वजन उठाए तो ये अंगोछा पेट पर बांध दिया करो, एहतियात के तौर पर, है ना? हाँ, और दाल रोटी सब्जी खाओ, दही छाछ दोपहर को ले सकते हैं, है ना जी? और दूध अभी नहीं पीना, दूध का दलिया ले सकते हैं सुबह नाश्ते में। कोई भी दिक्कत हो फोन पे जब मर्जी बात कर लो, सुबह 9 बजे के बाद रात के 6-7-8 बजे तक, और हमारा मोबाइल नंबर 9411
295804, भूपेंद्र अग्रवाल, जिला सहारनपुर, उत्तराखंड, आपका है, हमारा उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ जी का राज्य है, ठीक है। कभी भी बात कर लो, किसी को भी साइटी का हो, सर्वाइकल हो, बॉडी दर्द हो, घुटने दर्द हो, तो हमारा छल्ला पहन के सब चीज़ों में आराम हो जाता है परमात्मा की कृपा से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने का, ठीक है ना, और बताते रहना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।